गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल देखे थे हमने क्वेश्चन नंबर खाते देते चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन किए थे, छठवा हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 8। जो कि सिर्फ एक दुबे दे रखे चैप्टर नंबर 8 में, उसका क्वेश्चन नंबर चला था 7। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण फेमस है तीस डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है करनी है। क्या कहता है, यदि किसी मीनार के आधार से दो एक मीनार आप करें तो एक मीनार भाई इसके आधार से ए तथा बी दूरी पर मान लो इसमें क्या है क्या कहता है ए बड़ा है बी से, मतलब कि ए दूरी ज्यादा होगी बी से। मान लो यहां से अंदर की दूरी जो है वो बी है और यहां से यहां तक की दूरी है वो क्या है ए, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे दो कोई भी, इसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ए तरफ बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर ऐसे दो बिंदु हैं, कौन कौन से जेड और डब्ल्यू मान लिए। सेम मीनार के सेटअप के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, एक का 30 है तो एक का 60। जो बता ये 30 है तो ये कितना होगा 60। क्रमशः क्या रखा है, तो पहले ए दूरी थी, ए दूरी का 30 है, बी दूरी का कितना है 60। तो मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई याद करनी है मीनार की है, क्या याद करना है मीनार की ऊंचाई है। जब आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, माना मीनार की ऊंचाई क्या मानी थी एक्स वाई कितनी मानी है एच, ऊंचाई एक्स मान ली, जो दूरी थी वाई से जाके वो बी है और वाई से डब्ल्यू की दूरी है वो कितनी है ए। तो मीनार से बिंदुओं की दूरी को छोड़ो, आप देखते हैं त्रिभुज में कॉर्ड रखे, कॉर्ड रखा है एक्स जेड और वाई जो है तो लिख सकता हूँ वाई जेड एफ, वो तो है आपका 60 डिग्री और है अपना एक्स वाई डब्ल्यू एफ, ये कॉर्ड आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। दूरी आपको दे रखी है बाई से जाकी बी है, बाई से डब्ल्यू कितनी है ए। इसके बाद देखो समकोण त्रिभुज
पहले मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं, पहले एस वाई जेड वाला त्रिभुज में देते हैं, एक्स वाई जेड त्रिभुज में कर रखा है दो कदर हमें दिया क्या क्या हुआ है, एक्स वाई और जेड वाला त्रिभुज में एक तो एस रखा है, एक यानी एक लंब रखा है और एक आधार, और लंब और आधार किस में होते हैं, मैंने बताया था लाल बटे किसका में देखो लंब और आधार किस में होते हैं, टेन वाले में होते हैं, टेन ठीक है, लंब बटे आधार होता है, लंब में आपका एक्स वाई और आधार है वाई जेड, थीटा का मान कितना है इसमें 60 डिग्री है, एक्स वाई का मान एस माना था हमने, वाई जेड अपना स्मॉल बी, टेन साइड का मान कितना होता है वन बटे अंडर रूट थ्री, कितना होता है अंडर रूट थ्री एच बटे बी, यहां से एच का मान निकालो, एच बराबर क्या रहेगा बी के पश्चात करोगे अंडर रूट तीन बी दिया गया। अब ऐसे ही किस त्रिभुज में एक्स वाई और डब्ल्यू में समकोण त्रिभुज एक्स वाई डब्ल्यू में देखो उसमें क्या दिया हुआ है लंब और आधार ये दिया हुआ है, तो लंब और आधार के लिए क्या करता है तो टेन थीटा, लंब है आपका एक्स वाई और आधार है वाई डब्ल्यू, थीटा का मान कितना है इसके लिए 30 डिग्री, थीटा कितना रखा है इसलिए 3, एक्स वाई का मान एच वाई डब्ल्यू कितना है स्मॉल ए, 35 का मान कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 एच बटे ए, एच को इधर बचा एक ऊपर अंदर करो कितना आ जाएगा एच बराबर के ए बटे अंडर रूट 3, तो ये बाकी संख्या है क्वेश्चन के बाद में क्या जाएगी इनटू मैन की आंसर में आएगी। अब इधर देखो इसको समीकरण नंबर एक इसको समीकरण नंबर दो, समीकरण एक व दो से तो एच बड़ा एच करूंगा एक तरफ, तो एक तरफ क्या है अंडर रूट तीन बी गुणा क्या है ए बटे अंडर रूट थ्री, जो अंडर रूट तीन से अंडर रूट थ्री जाएगा क्या रह गया एक तरफ तो एच स्क्वायर है एच गुणा एच क्योंकि एच स्क्वायर एक तरफ क्या रहेगा जी ए गुणा बी, यानी कि एच बराबर के इसका ऑपरेशन करोगे बराबर हो जाएगा ए बी क्या रहेगा एच बराबर के अंडर रूट ए बी, इसका मतलब जो मिरर की ऊंचाई है वो क्या होगी अंडर रूट ए बी, जो कि आपको ऑप्शन पर कौन से पर सातवें क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है इसका आंसर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ पर, देखो क्वेश्चन नंबर आठ है आपका 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से क्वेश्चन नंबर आठ क्या दिया हुआ है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पच्चीस मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के तथा मीनार के
मीनार के पाद का अवनमन कर समान हो तो मीनार की ऊंचाई है एक 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है जिसके हम शीर्ष एक मीनार के शीर्ष का और उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण दोनों ही क्या है समान है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बताओ ये आपकी स्तंभ है जो कितने मीटर ऊंचा है 25 मीटर कितना दिया हुआ है 25 मीटर। स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये आपकी एक मीनार है इस मीनार स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है मान लो कहते थे आपकी 30 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण अब इससे नीचे का बनता है मीनार का पाद क्या होता है ये इसे मारा भी बोलते हैं ये भी कितना है थीटा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्तंभ के शीर्ष से मीनार के स्तंभ सॉरी स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण दोनों ही क्या है समान है तो मीनार की ऊंचाई ऊंचाई क्या कहते हैं हमको उनको नाम देते हैं कोई भी ए बी सी डी ई हमें बस ये दिया हुआ है 25 मीटर जो भाई दर से मान लेते देखो ये जो थीटा है ये कितना हो जाएगा थीटा क्योंकि एकांतर कोण बन जाएगा डी ए सी बी एकांतर कोण है ये थीटा है ये कितना होगा थीटा आ देखो आंसर स्तंभ माना इसकी स्तंभ और सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ है स्तंभ की ऊंचाई ऊंचाई क्या रखी है ए बी बराबर के 25 मीटर स्तंभ हमने ये माना था मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई जो कि हमको ज्ञात करनी है क्या तरह की है सी ई और किसके बराबर है वो सी डी प्लस डी ई इन दोनों के बराबर है सी की जो लंबाई है वो किसके बराबर है सी डी प्लस सी के दुबई डल अब हमको पता है कि ई बी बराबर है किसके सी डी के क्योंकि ये स्तंभ एंड मीनार दोनों ही किस पर क्षतिज बने हुए हैं तो एबी की लंबाई है वो सीडी की लंबाई रहेगी एबी यानी 25 है तो सीडी की लंबाई कितनी होगी 25 इधर देखो मान लेते हैं डी की ऊंचाई वो कितना है एच है ये आपकी 25 हो जाएगी जब ये 25 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 25 मीटर सीडी की लंबाई वो कितनी हो जाएगी सीडी बराबर के 25 मीटर 25 मीटर हो जाएगी क्योंकि दोनों ही कैसे बने हुए हैं क्षैतिज पर और एक इसकी लंबाई सेम है तो इसकी भी क्या होगी सेम 25-25 हो जाएगी। अब हमारे पास चाहिए डी और ई की लंबाई किसकी है हमें डी और ई की लंबाई देखो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज ए बी सी में
और जहां स्तंभ और मीनार के जो बीच की दूरी क्या मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स। लिख दे रहा है मैं एक साइड में लिख दे रहा है, यहीं पे ही ऊपर एक बार लिख रहा हूं मैं, माना स्तंभ तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है एक्स है। ये स्तंभ और मीनार के बीच की दूरी है वो कितनी मान ली हमने एक्स। अब देखो संकट त्रिभुज एबीसी में क्या क्या रखा है आपको, एक तो लंब दे रखा है और एक आधार, ये लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है। देखो इधर लंब और आधार किसमें होते हैं टेन में, टेन थीटा बराबर के लंब बटे आधार, लंब में आपका ए बी और आधार है बी सी, थीटा की तो वैल्यू थीटा ही है। ए बी का मान कितना है 25, बी सी का मान हमने क्या माना है एक्स, जो एक्स की वैल्यू निकाल लो एफ को इधर पेशन कर दूंगा मैं बराबर टेन को पेशन कर दूंगा 25 बटे टेन थीटा बटे में आएगा टेन थीटा इंटू संख्या है पसंद बाद में चलेगी भाग में, और ये भाग संख्या है बराबर में इंटू में आ गई। इसके बाद में मैं इसको ले सकता हूँ 25 वन बटे टेन क्या होता है कॉट थीटा, यानी 25 कॉट थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि वन बटे टेन क्या होता है कॉट। इसके बाद में इसको एक्स मान कितना आ गया 25 कॉट थीटा आ गया, यानी कि अब देखो जो बीसी की लंबाई है यानी एफ तो वो कितनी है 25 कॉस थीटा है, तो ए और डी की लंबाई कितनी होगी 25 कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो एक्स क्या मान था हमने बीसी, बीसी बराबर के क्या होता है ए डी, तो जो बीसी की जो लंबाई है वो कितनी होगी 25 कॉस थीटा क्या होगी 25 और थीटा। देखो इधर आप देखते हैं हम संकोण त्रिभुज, संकोण त्रिभुज किसमें ए डी ई में, ए डी ई में। अब इस त्रिभुज में देखो कौन से में ए डी ई में क्या दे रखा है आपके पास, एक तो एक्स दे रखा है यानी कि क्या दे रखा है लंब है, ये क्या है आधार, और लंब और आधार किसमें होते हैं टेन में, टेन डीटा बराबर करते हैं लंब, लंब क्या है आपका डी ई और आधार है ए डी, थीटा तो आपका थीटा ही है, लंब डी क्या माना हमने एच क्योंकि ये ऊंचाई से क्या मानी थी हमने एच, ए डी ए डी की लंबाई जो जितनी एच की होती है वही किसकी ए डी की, क्योंकि तो ये लंबाई समान तो इससे समान ये इसके आमने सामने की वजह क्या होती है समान। उसके बाद में समान क्या था ए डी का कितना हो जाएगा 25 कॉट थीटा, उसके बाद में देखो यहां से एच की वैल्यू निकाल लो क्या जाएगी एच बराबर के सो इंटू में टेन थीटा इंटू 25 और थीटा लिया गया। देखो हम इसको ले सकते हैं एच बराबर के टेन थीटा इंटू 25 और तो आप देख सकता हूँ टेन में वन बटे टेन, वन बटे टेन थीटा और टेन से टेन कर जाएगा एच की वैल्यू कितनी जाएगी 25 क्या जाएगी ऑनली टेन से टेन करके तो कॉट क्या होता है टेन 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 काट दिया ऑनली एच में कितना लिया 25। इसका मतलब डी की लंबाई 25 है, सी डी की लंबाई 25 थी, सी और ई की लंबाई कितना, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ऊंचाई क्या थी पूरी कंप्लीट सी ई थी, और सी ई किसके बराबर थी सी डी प्लस डी ई, सीडी की लंबाई तो 25 थी और डी की लंबाई कितने 25 मीनार कितने जाएगी 50, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितने जाएगी सी 50 मीटर। जो
तो एक बार और समझ लो वापस। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के सीट से एक मीनार के सीट का उन्नयन कोण तथा मीनार के पद का अवनमन कोण दोनों ही क्या है, समान है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? देखो मान लो, देखो मैं सबसे पहले एक स्तंभ है, ये आपकी मीनार बनाती है, स्तंभ के सीट से मीनार के सीट का उन्नयन कोण तथा मीनार के पद का अवनमन कोण दोनों ही क्या है, ये समान है। जो कदर उन्नयन कोण क्या होता है, ऊपर की तरफ ये उन्नयन कोण आ गया। अवनमन कोण क्या होता है, चाहे सब किसी पर बनता है उन्नयन कोण, ये किसी पर बन गया अवनमन कोण। इसके बाद में मीनार की ऊंचाई याद करनी है, जो कदर स्तंभ की ऊंचाई थी ये भी 25 मीटर है। हम जानते हैं कि स्तंभ एंड मीनार दोनों ही किस पर है, क्षैतिज जगह पर, जहां से आधे लंबाई जितनी है उतनी ही कितनी होगी बी और सी की, ये 25 है तो ये भी कितनी होगी 25 की। इसके बाद में देखो जब ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक अंतर कोण का मान क्या होता है, बराबर क्या होता है, समान, यानी कि बराबर। इसके बाद में त्रिभुज ए बी सी को लिया है मैंने, क्या क्या रखा था मेरे पास, और मैंने मान लिया था कि स्तंभ एंड मीनार के दोनों के बीच की दूरी अब क्या है, एक्स, ये मान लिया था। आप देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या रखा, एक लंब एक आधार, और लंब और आधार किसमें होते हैं, टेन में, टेन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया लंब बटे आधार, लंब का मान 25 था ए बी का, आधार का मान में एक्स मान था, एक्स को वैल्यू निकाल करके टेन को पसंद कर दिया, 25 बटे टेन थीटा हो गया, और हम टेन को ले सकते हैं कॉट थीटा भी ले सकते हैं, तो बना टेन क्या होता है कॉट। अब अगर देखो अब बीसी जितनी लंबाई है वो भी लंबाई कितनी किसकी होगी, एडी की, जब ये 25 कॉट थीटा है तो ये कितनी होगी 25 कॉट थीटा। अब उसके बाद में त्रिभुज ए डी ई को ले लिया है, उसमें ई को हमारे पास आधा पे रखा है एक लंब, और आधा लंब हम फिर डालते हैं किसमें होते हैं टेन में, आधार सॉरी लंब बटे आधार, लंब है आपका डी, आधार है ए डी, टेन थीटा, डी को क्या मानता मैंने ऊंचाई को एच, जिसको मान लिया था मैं 25 कॉट थीटा आधार को, और ये 25 कॉट थीटा तो ये कितना होगा 25 कॉट थीटा। इसके बाद में एस क्यू तो है ही है, इसको पसंद इनको में चला गया, कॉट को आपके सबको बनवा दे टेन, और टेन अंश वाले में कट जाएंगे टेन देना, तो क्या रहेगा एच के मान मतलब 25, इसका मतलब डी ई की लंबाई है वो 25 है, और तो मीना की ऊंचाई जहां से लगा गया सी ई तक थी, और सी का मान देता सी डी प्लस डी ई, सी डी का मान 25 है, डी का मान 25 जोड़ो कितना होता है 50, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना जाएगी 50 मीटर, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पे दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपका, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी की लंबाई का अनुपात छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का देखो इस क्वेश्चन को, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है जिसकी लंबाई और उसकी छाया की जो लंबाई है उनका अनुपात कितना है दोनों का, 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। क्योंकि सर
ये द्वारा शर्मा लो कोई भी, ये इसकी छाया हो गई। उसके बाद में बंधन को और हम जानते हैं नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ये बीटा गया, इसको बोल देता हूं मैं ए बी सी। मान लो इन दोनों का जो अनुपात वो कितना है, मैं ये देता हूँ एक अनुपात अंडर रूट 3 है, कितना है ये मान लो अनुपात 1 है तो इसका अनुपात कितना है अंडर रूट 3। और उसने कहा है छड़ की लंबाई और उसी छाया का अनुपात कितना है 1:3 अंडर रूट 3। उन्होंने कॉट थीटा दिया हुआ है, मान लिया माना है, तो देखो सर हम जानते क्या कह रखा है इसमें, थीटा क्या दिया हुआ है माना, सो देखो उन्होंने कॉल थीटा है मान लिया हमने। इसके बाद देखो हमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या रखा है, लंब और आधा, क्या भी लंब और आधा, लंब और आधा किसमें होते हैं टेन में, टेन थीटा क्या होता है लंब टे आधार, लंब आपका ए बी आधार है बी सी, थीटा तो आपका थीटा ही है ए बी, और किसका छड़ और उसके छाया का अनुपात कितना दिया हुआ था 1:3, इसको हमने 1/3। इसके बाद में टेन थीटा हम जानते हैं कि 1/3 टेन में किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है, 1/3 टेन की जो लाइन होती है उसमें कितने का मान होता है टेन 30 का, टेन से टेन कट जाएगा देखिए जो वैल्यू है कितनी जाएगी 30 डिग्री, इसका मतलब सूर्य का जो वंदन कोण होगा वो कितना होगा 30 डिग्री, ये आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक पहाड़ी का ढलान कहते से पहाड़ी की ऊंचाई है, तो पहाड़ी की ऊंचाई है दूसरे क्वेश्चन को, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बना रहा है, जब अगर मान लो ये कैप की पहाड़ी है, ऐसे ये ढलान है, ये ढलान होती है, ये जो क्षैतिज से यहाँ की क्षैतिज जगह हो गई, इस क्षैतिज से कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, एक पहाड़ी का जो ढलान है ये वाली वो क्षैतिज से कितना 60 डिग्री कोण बनाती है, यदि शिखर तक पहुंचने में इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है,
तो पहाड़ी की ऊंचाई, ये पहाड़ी है आपकी, इसकी ऊंचाई मान लेते हम एच है, ये ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं देखो ए, इसको बी, इसको सी। तो देखो माना पहाड़ी की ऊंचाई क्या मानी हमने, ए बी बराबर के एच, ये सी क्या है कि पहाड़ी की ढलान पहुंचने में इसको क्या दो? इसके बाद में जो बदल सीधा आपको डीटर दिया हुआ है, डीटर कितना रखा है ए सी बी बराबर के साइड हुआ हुआ है। देखो संपर्क त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या क्या रखा है आपको, एक तो लंब है एच और एक क्या है कर्ण। लंब और कर्ण किसमें होते हैं, साइन में होते हैं संपर्क त्रिभुज एबीसी में। क्या दिया होता है आपके लंब और क्या दिया हुआ है कर्ण, और लंब और कर्ण हम जानते हैं किसमें होते हैं साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब है आपका ए बी और कर्ण है आपका ए सी। जैकी वैल्यू कितनी रखी है साइड बराबर के ए बी का मान कितना है एच, ए सी का मान 500। साइन साइड का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है अंडर रूट 3/2, एच बटे 500, एच की वैल्यू निकालोगे 500% कितनी जाएगी इंटू में 500 बना अंडर रूट 3/2, और 2 से 500 को काटते हैं कितनी बार कटता है 250 अंडर रूट 3, कितना आ गया 250 अंडर रूट 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यदि सूर्य का अनियन कोण 30 डिग्री हो, यदि सूर्य का अनियन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो अब इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है आपके पास, एक तो दिया हुआ है मीनार जो क्षैतिज है एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यदि सूर्य का अनियन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इधर मान लो ये क्या है आपकी एक मीनार है जो क्षैतिज समतल पर क्या करी है ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, यह है यदि सूर्य का अनियन कोण
इसका जो सूर्य का न्यूनतम कोण कितना है 30 डिग्री है। सूर्य का न्यूनतम कोण कितना है 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई, ये क्या है मीनार की छाया की लंबाई है ये कितनी है 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है इसको ज्ञात करना है एच को, इसको मान लेते हैं हम ए बी सी। जो बस क्वेश्चन है इसको माना मीनार की ऊंचाई क्या मानी हमने ए बी जो कितनी है एच, उसके बाद में मीनार की छाया की लंबाई रखी थी, मीनार की छाया की लंबाई बी सी है जो कि 45 मीटर रखी है, थीटा है आपका कितना दिया हुआ है 3 डिग्री, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो इधर क्या कह सकता है ए बी एन लंब, ये क्या होता है आपका लंब, ये क्या होता है आधार, लंब और आधार दिए हुए हैं और हम जानते हैं लंब और आधार किसमें होते हैं टेन में, टेन का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे बी सी, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ए बी का मान एच बी सी का मान 45, टेन के 30 का मान होता है वो कितना होता है 1/√3 बराबर एच बटे 45, एच की वैल्यू निकालोगे 45 को पचपन से कर दो 45/√3 देखो अगर कभी भी मान को अगर बटे में अधिक संख्या किसके आधे रूट वाली संख्या होगी तो उस रूट का क्या कर दो अंश वर्ग में गुणा √3 के द्वारा अंश वर्ग में क्या कर दे गुणा 45 बटा √3 करोगे 45/√3 हो जाएगा बटे √3 गुणा √3 करोगे 3 और 3 से 45 कट जाएगा कितना 15/√3 देखो आपका किताब का आंसर 15/√3 है या इससे भी आगे का रखा है कितना दे रखा है ग्यारहवीं का आंसर 15/√3 है यही तक है मीटर। इसको आगे करना चाहो तो कर सकते हो, हम जानते हैं 3 के वैल्यू के मान होता है कितना होता है 1.732 तो 15 गुणा 1.732 कर देते और एक मान आ जाता है आगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 12 पर, जब तक इसको आप नोट करो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर वैसे
कहा से कहा, ब्रैचिका शिकल क्षैतिज तल पर ब्रैच की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ब्रैच की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले ब्रज की ऊंचाई याद कीजिए। टूटने से पहले ब्रज की ऊंचाई याद कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में अंडर तीन का मान दिया हुआ है, कितना होता है 1.732 जो कर दिया हुआ है। आंधी के कारण वृक्ष है जिसका ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर सर्टिकल कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो बता एक क्या है, वृक्ष है, मान लो यहाँ का वृक्ष है, इसका ऊपरी भाग टूटकर सपोज करो यहाँ से ये टूट जाता है। वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल है, यहाँ का क्षैतिज तल होता है, साइड डिग्री का कोण आता है, पता है इसका ये भाग ऊपर टूट करके झुक जाता है और झुक करके कितने डिग्री का कोण बनाता है, साइड डिग्री का, क्षैतिज के साथ में कितने का कोण बनाता है, साइड डिग्री का। वृक्ष का जो शिखर था, ये जो वृक्ष का शिखर है वो क्षैतिज तल पर जड़ से कितनी दूरी पर है, जैसे कर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जड़ से कितना 10 मीटर की दूरी, जड़ है आपकी, जड़ से कितनी मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर दूरी पर है। तो टूटने से पहले ब्रज की ऊंचाई, तो यानी कि ये यहाँ से लेकर की यहाँ तक जो ब्रज की ऊंचाई है आपकी पूरी कम्प्लीट हो जाती है। मान लो ये आपका ए है, बी सी डी, मान लो ये ऊंचाई आपकी एच वन है और ये ऊंचाई एच टू, जब ये ऊंचाई एच टू है तो ये भी एच टू रहेगी, क्योंकि जहां से आने के टूट करके ये जो ऊंचाई थी यही तो यहाँ घूम गई पूरी कम्प्लीट, जहां से बीच से टूटा फिर वो जो करके कितना साइकिल के कोण बनाता है सर। और जो किसका पेड़ का शिखर, ऊंचाई का जो शिखर था वो जड़ से कितने मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की पर। अब इस ऊंचाई को ज्ञात करना है कंप्लीट एच वन प्लस एच टू को। जो बस माना वृक्ष की ऊंचाई पूरी कंप्लीट क्या है, एसी है जो कि दो भागों में है, कौन कौन सी, ए बी प्लस बी सी यानी कि एच वन प्लस एच टू, कौन कौन सी है, एच वन प्लस एच टू और बी डी भी क्या है अपना एच टू ही है। दो बार ये हमको ज्ञात करनी है। उसके बाद में हमें दिया हुआ है क्षैतिज तल से वृक्ष की तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर, और ए बी दिया हुआ है हमें 10 मीटर, थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में बात करते हैं, त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जो कदर इस त्रिभुज में एक तो हमने कह दिया आधा, सबसे पहले हमें एच वन की लंबाई को मान ज्ञात करते हैं, तो इसको भूल जाओ। जो कदर क्या रखा है, लंब और आधा, लंब और आधा होते हैं टेन थीटा, लंब है आपका ए बी और आधा है ए और डी। जो कदर जब हम एच वन को ले रहे हैं तो एच टू को नहीं लेंगे, उसके साथ में यानी कि लंब
और ये आधा, यानी कि लंबा आपका ए बी आधा क्या है ए डी। मान लो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ए बी का मान एच वन, ए डी का मान 10, 10 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 100 रूट 3, एच वन बटे 10 के बाद में एच वन पसंद करोगे 10 अंडर रूट 3, क्योंकि 10 है बाकी संख्या है, पसंद करोगे इंटू में जाएगी समीकरण नंबर 5। एच वन का मान आ गया कितना 10 अंडर रूट 3। अब एच टू का मान देखते हैं, वही वापस डबल चलो समकोण त्रिभुज एबीडी में ही, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब एच टू को ले लेंगे, एच टू के साथ में आ रहा इसको बोला क्या क्या है, मतलब ऐसे क्या था, एक कार्ड था और एक आधार, और हम जानते हैं कार्ड और आधार किसमें होते हैं, कॉस में, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कार्ड, आधार आपका ए डी, कार्ड है आपका बी डी, कार्ड ए डी सॉरी आधार आपका ए डी और कार्ड आपका बी डी, थीटा कितना है साइड ए डी 10, बी डी है आपका एच टू, और साइड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, और साइड का जो मान होता है कितना होता है 1/2, 10/2 एच टू, एच टू में शंकर होगी तो इंटू में आएगा 10, 2 को में शंकर होगी किस में जाएगा गुणा में, यानी एच टू बराबर के 10 गुणा 2 करोगे 20, ये समीकरण नंबर 2। एच वन का मान आ गया, एच टू का मान आ गया, दोनों को जोड़ दो, तो ब्रैकेट की ऊंचाई, ब्रैकेट की ऊंचाई क्या थी पूरी कंप्लीट फेसिंग थी एच वन प्लस एच टू, एच वन का मान आया था आपका 10 अंडर रूट 3 प्लस 20 डबल है 103 का मान, क्वेश्चन दिया हुआ 1.732 होता है 10 गुणा 103 का मान कितना होता है 1.732 प्लस 20 गुणा करोगे कितना 17.32 प्लस 20 और जोड़ोगे तो कितना 37.32, यानी कि जो वृक्ष है उसके टूटने से पहले जो पूरी टोटल लंबाई थी वो कितनी थी 37.32 मीटर, कितनी तरह की है 37.32 मीटर, ब्रज की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी 37.32 मीटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 13 आपका, उसको शायद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।